मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग सुरक्षा परिषद, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है और एक ऐसा अंग है जिसके पास वीटो पावर है, निशेषाधिकार की शक्ति, जिसके आधार पर 5 जो विश्व के बड़े राष्ट्र हैं वो निर्णय करते हैं, और 5 महाशक्तियों का समुदाय भी इसको कई बार कहा जाता है। डंबार्डन ऑक्स जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था कि एक ऐसा कार्य करने वाला अंग होना चाहिए जिसकी सदस्यता तो सीमित हो लेकिन उसमें 5 विश्व के बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता प्राप्त हो, जिससे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में आसानी रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जो ज़्यादा सजग प्रहरी की तरह से कार्य कर सके। इसका सत्र हमेशा चलता रहे, जिससे कोई भी कार्य करना हो, कोई भी कार्यवाही करनी हो, कोई भी निर्णय करना हो तो त्वरित गति से लिया जा सके। तो इस आधार पर सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। सबसे पहले देखेंगे हम इसका संगठन कैसे होता है। सुरक्षा परिषद का जो संगठन है वो सुरक्षा परिषद के नियम बनाए गए हैं संगठन संबंधी, जो यूएनओ के चार्टर के 5वें अध्याय में दिए हुए हैं। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद में मौलिक रूप से 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य रखे गए थे। तो इस तरह से शुरुआत में जब पहली बार चार्टर में सुरक्षा परिषद का गठन हुआ तो मात्र 11 सदस्य थे, 5 स्थायी सदस्य थे, जिसमें थे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा राज्य था ब्रिटेन, तीसरा राज्य था फ्रांस, चौथा राज्य था सोवियत संघ, आज जिसको हम रूस कहते हैं, और 5वां राज्य था चीन। 1971 में जब साम्यवादी क्रांति के बाद में चीन को यूएनओ में सदस्यता दी गई तो उसके बाद से चीन का साम्यवादी जो देश है वो इसका सदस्य है, और उससे पहले जो राष्ट्रवादी चीन था वो इसका सदस्य था। 6 अस्थायी जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन 2 साल के लिए महासभा करती है। 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 10 कर दी गई थी। ये जो 10 सदस्य थे उनमें 5 एशिया और अफ्रीका के देशों से लिए जाएंगे, 1 पूर्वी यूरोप से लिया जाएगा, 2 दक्षिण अमेरिका से लिए जाएंगे, और शेष बचे 2 सदस्य जो हैं वो पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से होंगे, ये निश्चित कर दिया गया, जिससे पूरे विश्व के देशों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। हालांकि बार बार इसके सदस्यों को बढ़ाने के लिए मांग उठती रही, जैसा कि 14 नवंबर 1970 को भारत और अन्य 19 जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उन्होंने एक प्रस्ताव महासभा में रखा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 21 कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद में जो अस्थायी सदस्य हैं इसके उनका निर्वाचन कैसे होता है इस प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। ये निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है और महासभा अपने 2/3 बहुमत से इनका निर्वाचन करती है। जिन राज्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है वो दोबारा उसी साल इसके सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकते, लेकिन बाद में वो पुनः इसके उम्मीदवार बन सकते हैं और महासभा चाहे तो उन्हें पुनः चुन करके ला सकती है, लेकिन लगातार वो अपना अगला कार्यकाल नहीं कर सकते। सदस्यों का जब निर्वाचन किया जाता है तो महासभा ये ध्यान रखती है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, उसमें योगदान देने वाले सदस्यों को ही इसमें प्रतिनिधित्व मिले। और इसके साथ साथ अभी जो हमने ऊपर देखा था कि यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से, सभी जगहों से इसमें सदस्य होने चाहिए, तो वो भी इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, इसलिए भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से पूरे विश्व से इसमें सदस्यों को लिया जाता है और सभी राष्ट्र यानी 5 तो इसमें
स्थायी सदस्य हैं जो विश्व की महाशक्ति कहलाते हैं, और उसके अलावा छोटे देश भी इसमें सदस्यता प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। जो सुरक्षा परिषद है वो किस तरह से कार्य करती है इसको हम लोग देखेंगे। सुरक्षा परिषद एक ऐसा अंग है जो हमेशा कार्य करता रहता है, स्थायी रूप से ये सत्र में रहती है, और इसकी बैठक भी 14 दिन में एक बार होना आवश्यक है ताकि कोई भी विश्व में घटना है, कोई समस्या है, उस पर विचार विमर्श हो सके, निर्णय हो सके, और अल्प सूचना पर उस पर कार्यवाही भी की जा सके। इसकी बैठक अल्प सूचना पर यानी 24 घंटे की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। इस परिषद में हर सदस्य राष्ट्र अपना एक प्रतिनिधि तो भेज सकता है, और उसका एक ही मत काउंट होता है जब भी कभी वोटिंग होती है। चार्टर की धारा 27 में मतदान की प्रक्रिया का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। सुरक्षा परिषद में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिससे गंभीर विषयों और विचार विमर्श करने और निर्णय देने में सुविधा रहती है। किसी भी प्रक्रियात्मक मामले के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है, वहीं विशिष्ट मामलों के लिए 9 सदस्यों की सहमति में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो 9 सदस्य जो हैं, यानी कुल सदस्य संख्या के 9 सदस्य, तो उन 9 सदस्यों में 5 जो महाशक्तियाँ हैं, स्थायी सदस्य हैं, उनकी सहमति भी आवश्यक है। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इन्हें वीटो शक्ति, जिसे निषेधाधिकार भी कहते हैं, वो प्राप्त होता है। कभी सुरक्षा परिषद में अगर ऐसे विषय पर विचार हो रहा है जिससे किसी राज्य विशेष के हितों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो राज्य उस कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसमें होने वाले मतदान में वो भाग नहीं लेगा। यानी वो सुन सकता है क्या बातचीत है, क्या बहस हो रही है, क्या परामर्श दिया जा रहा है, उन सब पर उस कार्यवाही में वो भाग ले सकेगा, लेकिन जब उस पर मतदान होना होता है कार्यवाही करने के लिए, तो वो मतदान में हिस्सेदारी नहीं निभा सकता। अब आते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य और क्षेत्राधिकार पर। सुरक्षा परिषद एक छोटा समूह है, छोटा अंग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि इसके पास में वीटो की शक्ति है। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत सारे संगठन और उसके विषयों में कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें, और उसके माध्यम से वो कार्य करते हैं, यहाँ तक कि बाध्यकारी शक्ति भी ये काम में लेते हैं। इनके जो प्रमुख कार्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा कार्य है नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना। तीसरा कार्य है महासचिव का चयन करना। चौथा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ये सभी जो कार्य हैं, इन कार्यों को वो महासभा के साथ मिलकर के करती है और बाध्यकारी प्रभाव भी रखती है, जबकि महासभा उतना बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखती। सुरक्षा परिषद अपने सभी आंतरिक मामलों में खुद निर्णय करती है, हालांकि महासभा उसके संबंध में चर्चा और सिफारिश कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वो है शांति और सुरक्षा संबंधी निर्णय को लागू करने का प्रश्न। कोई भी इस तरह का जो निर्णय है, हमने पहले भी देखा था जब महासभा पढ़ा था, तो महासभा के पास बाध्यकारी शक्ति नहीं है। महासभा सिर्फ जनमत की शक्ति से या नैतिक दबाव से किसी भी राष्ट्र को सिफारिश मानने को बाध्य कर सकती है, लेकिन सुरक्षा परिषद विश्व शांति स्थापित करने के लिए और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बाध्यकारी शक्ति भी काम में ले सकती है। यदि सुरक्षा परिषद ये निर्णय करती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई राष्ट्र विश्व शांति को खतरा उत्पन्न कर रहा है या शांति को भंग कर रहा है या उसने किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया है और उससे उस दूसरे देश की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, जनधन की हानि हो रही है, तो उन सारी परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद कुछ कार्यवाही करती है।
ये जो कार्यवाही है ये सामान्य से बाध्यकारी कार्यवाही है। इसमें सबसे पहली कार्यवाही है वार्ता करना, यानी जो राष्ट्र हैं जिनके बीच में विवाद है, समस्या है, युद्ध की संभावना है या संघर्ष उत्पन्न हो गया है, उनसे समस्या के समाधान का आग्रह करती है मिल बैठ के बातचीत करने के लिए। दूसरा जो तरीका वो अपनाती है वो तरीका है पूछताछ करना, मध्यस्थता करना, समझौते करना, अधिनिर्णय, न्यायिक निर्णय। तो इस तरह के कार्यों के द्वारा या क्षेत्रीय समितियों और व्यवस्थाओं के माध्यम से शांतिपूर्ण उपाय अपनाने का सुझाव दे सकती है। तो मध्यस्थता के लिए किसी राष्ट्र को बुला सकती है, किसी न्यायिक निर्णय का उदाहरण दिया जा सकता है, आपस में समझौता करने के लिए कहा जा सकता है और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से भी वो शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान के लिए सुझाव दे सकती है। तीसरा जो तरीका है वो थोड़ा बाध्यकारी है। तीसरे तरीके में वो अपने अन्य सदस्यों से, उस राष्ट्र से जिसने शांति भंग करने का कार्य किया है या संघर्ष को जन्म दिया है, उस देश के साथ आर्थिक संबंध, रेल या समुद्र या हवाई यातायात, इस तरह के संबंध को तोड़ने के लिए कह सकती है, या डाक, तार, रेडियो या अन्य संचार के जो साधन हैं उनको आंशिक रूप से तोड़ने के लिए या पूर्ण रूप से उनसे संबंध तोड़ने को कह सकती है, या जो राजनयिक संबंध है यानी एक दूसरे के यहाँ जो राजनयिक भेजे जाते हैं, जो वार्ताएं की जाती है राजनयिक, उन संबंधों को तोड़ने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कह सकती है, जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है इन सारी चीज़ों का। यानी यदि किसी राष्ट्र के साथ में आर्थिक संबंध खत्म हो जाए तो उसका व्यापार वाणिज्य का जो ढांचा है वो पूरा चरमरा सकता है, जो ऋण दिया जाता है वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच सकता है, रेल, समुद्र और हवाई यातायात के माध्यम से व्यापार वाणिज्य तो जहां एक तरफ प्रभावित होता ही है, वहीं आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। डाक, तार, रेडियो और संचार के माध्यम के बिना तो आज बहुत मुश्किल से जिया जा सकता है, और राजनयिक संबंधों को ख़त्म कर देने से एक दूसरे के संबंधों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये एक बाध्यकारी तरीका ये अपनाती है। चौथा जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा जब विपरीत परिस्थिति बन जाती है, जब ऐसा लगता है कि उपरोक्त तीन तरीकों से संघर्ष को नहीं रोका जा सकता या व्यवस्था को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, उस समय इस तरीके को अपनाया जाता है। तो ये तरीका है कि अपने जो सदस्य राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के और सुरक्षा परिषद के, उनकी जो सेनाएं हैं उनको, सशस्त्र सेनाओं को सैनिक कार्यवाही का आदेश देने का अधिकार भी सुरक्षा परिषद रखती है। तो ये बहुत एक कठोर तरीका है जिसके माध्यम से एक तरह से सीधी कार्यवाही की बात की जाती है, और कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ जो सुरक्षा परिषद है वो इस तरह का आदेश दे, क्योंकि सुरक्षा परिषद की जो सेना है वो बहुत सुसज्जित सेना होगी और कोई भी अन्य राष्ट्र जो युद्ध को आमंत्रित कर रहा है वो शायद इतना ज़्यादा अपनी सेना के साथ में युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं होगा। और इस तरह से इन सब तरीकों से संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग सुरक्षा परिषद चार्टर की इच्छानुसार निर्णय को मानने और लागू करने के लिए बाध्य कर सकता है। चार्टर की धारा 51 ये व्यवस्था करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य चार्टर के अधीन ही अपनी सुरक्षा के व्यक्तिगत या सामूहिक उपाय अपनाने को स्वतंत्र है, यानी वो खुद भी अपने उपाय अपना सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब सुरक्षा परिषद उसकी शांति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं करती तो वो अपना व्यक्तिगत उपाय कर सकता है या अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के भी कोई सुरक्षा संबंधी उपाय अपना सकता है। अगला देखते हैं कि ये नए जो राष्ट्र हैं उनको सदस्यता कैसे देता है। इस क्षेत्र में सुरक्षा परिषद ज़्यादा निर्णायक अधिकार रखती है। सदस्यता देने के लिए हालांकि महासभा अंतिम रूप से स्वीकृति देती है, लेकिन सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पास अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है, जिसे वो सुरक्षा परिषद के पास विचार करने के लिए भेज देता है। सुरक्षा परिषद उसकी सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की जो राय है उसके आधार पर उसकी पात्रता की जांच करती है, उस पर विचार करती है और
पूरी तरह से जब वो संतुष्ट हो जाती है कि ये राष्ट्र सदस्यता लेने योग्य है, इसके सभी उद्देश्यों से, इसके सभी सिद्धांतों से वो पूरी तरह से अपनी सहमति रखता है, उसे मानने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो उसी स्थिति में वो महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। और उसके बाद में जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश है उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई सदस्य बनना है तो स्थायी सदस्यों की सहमति उसमें होना आवश्यक है। नए सदस्यों की जो सिफारिश है, उस नए सदस्यों के लिए जो सिफारिश है उसमें कई बार ये समस्या आती है कि क्योंकि 5 सदस्य जो हैं वो आवश्यक तौर पर सहमत होने चाहिए, तो इस आधार पर कई बार इसमें मुश्किलें भी सामने आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा परिषद अपनी सहमति दे करके महासभा के पास भेजती है और अंत में महासभा इस संदर्भ में अपना निर्णय लेती है। इस तरह से आज हम लोगों ने सुरक्षा परिषद का गठन, उसकी कार्यप्रणाली और उसका कार्य और क्षेत्राधिकार, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की।